आसिफ साहब, आज आपकी ज्वाइनिंग भी यहाँ पर हुई है, तो उस हवाले से आपका कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक ज्वाइनिंग्स का ताल्लुक है, अब तो ज्वाइनिंग्स का टाइम रहा नहीं, अब तो घर घर जाने का वक्त आ गया है। तो ज्वाइनिंग्स भी होती हैं, ज्वाइनिंग्स भी चलती रहती है, और लोगों को आउटरीच जो है वो उस पर काम दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह हमें पुरुमीद हैं हम कि इंशाल्लाह बारामूला की जो आवाम है बिल्कुल जी हस है, जी शऊर है, तो ये अपना जो नुमाइंदा है इंशाल्लाह उसी को बनाएंगे जो इनको लगेगा कि ये बारामूला के लिए इसकी जो नियत है और इसकी जो ख्वाहिशात है या इसके जो जो ड्रीम्स हैं वो फुलफिल कर सकता है। टाउन से कई सारे कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, तो आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखिए, इलेक्शन लड़ने का हक हर एक को है, मगर जो असल में सरचश्मा होता है जमहूरी इसका जमहूरी अमल का, वो अवाम होती है। तो ये अवाम को डिसाइड करना है, ये हमारे लोगों को डिसाइड करना है कि वो किसके हक में वोट डालते हैं। उनको जो अच्छा लगेगा, उनको जो ठीक लगेगा, उनको जो लगेगा कि ये बारामूला के लिए काम कर सकता है, बारामूला की ख्वाहिशात जो इनकी है या उनके जो मामलात है उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकता है, वो उसके लिए वोट करेंगे। और हम आसिफ साहब, अगर आप इक्तदार में आ जाते हैं तो बारामूला की डेवलपमेंट के हवाले से आप क्या क्या इकदाम उठाएंगे, और आज तक जो डेवलपमेंट हुई है उसे आप क्या समझते हैं? देखिए, जहाँ तक आज तक डेवलपमेंट का सवाल है, देखिए बारामूला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो इसका हमेशा नजरअंदाज किया हमारा जो ऐसी हाइड्रोलिक है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बारामूला कॉलेज में होना चाहिए। आप देखिए चला गया, उसी तरह से पी जी पी का ऐसी आप देखिए, ऐसी ऑफिस, वो ऑफिस भी आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ के दूसरी कॉलेज में चला गया, आर टी ओ ऑफिस देखिए, यहाँ है लेकिन उसको भी दिया गया, यहाँ की जो रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने आज मुश्किल से इन चीज़ों पर ध्यान दिया। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कायम हो जाए, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन आ जाए, यहाँ पे ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने के नाते ये सारी चीज़ें बारामूला में है। बारामूला को हमेशा नुकसान करना है। आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 7-8 करोड़ तो यहाँ पे लैप्स हो गए, ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर न्यूज की है, अवामी नुमाइंदे हैं, तो कैसे इन्होंने बारामूला के 8 करोड़ रुपए लैप्स करवाए, ये भी तो देखना चाहिए ना कि यानी कि इनएफिशिएंट जो वहाँ पे काम करने वाले थे, जो वहाँ एट द हेड ऑफ अफेयर्स थे उस टाइम, बिल्कुल उनसे जवाबदेही कलम करनी चाहिए कि ये वो क्या रहा है। तो ये चीज़ें हैं, आप हमेशा देखिए। आप जीएमसी की बात करें, जीएमसी में देखिए 70-80 करोड़ तो कम नहीं होगी। आप देखिए, छोटा सा उसने यहाँ पे जब आके गरीब एम आर आई ये ऑफ एम आर आई का एक ये खोला ब्लॉक, मगर हमारे जी एम सी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उसमें अपनी एम आर आई सिस्टम लगा दी। ये देखिए हालत, एक प्राइवेट आदमी लगा सकता है 2-4 करोड़ का, और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिसमें बच्चे पढ़ते हैं वहाँ एम आर आई सिस्टम, वहाँ की आप देख लीजिए, ये सब मैं चढ़ाता हूँ। जो भी चाहे वो यहाँ या पार्टी या गाँव के जितने भी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, मुझे लगता है